सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अब सबकी नजरें विधान परिषद चुनाव पर है। जी हां, एमएलसी इलेक्शन को लेकर आज वोटिंग भी शुरू हो चुकी है। वही पूर्वांचल में कई सीटों पर कांटे की लड़ाई देखी जा रही है। कई जगहों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। धनराज सिंह, बृजेश सिंह और राजा भैया जैसे बाहुबली की एंट्री से ऐसा हुआ है। वही गाजीपुर से लेकर आजमगढ़ तक सब अपने अपने करीबियों की जीत तय करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आइए बात करते हैं ऐसी सीटों की जहां बाहुबलियों की धमक दिखाई दे रही है। वाराणसी से भाजपा के सुदामा पटेल को प्रत्याशी बनाया गया है। यहां से बृजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह भी मैदान में खड़ी है। वह निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। माना जा रहा है कि यहां मुकाबला कांटे का हो सकता है। भाजपा प्रत्याशी ने कहा है कि जेल में बंद होने के बाद भी बृजेश चुनाव प्रभावित कर रहे हैं। वहीं भाजपा ने आजमगढ़ माऊ सीट से सपा नेता रमाकांत यादव के बेटे अरुण कांत यादव को प्रत्याशी बनाया है। अरुण ने पिछले दिनों यह कहकर सनसनी मचा दी थी कि उनके पिता भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। पार्टी के विधानसभा के मौजूदा सांसद यशवंत सिंह को 6 साल के लिए निकाल दिया गया है। दरअसल यशवंत सिंह के बेटे विक्रांत सिंह को टिकट नहीं मिला था, उसके बाद निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर प्रचार भर दिया गया है, जिसके बाद पार्टी ने अनुशासनहीनता माना जा रहा है। वही एमएलसी चुनाव से पहले सपा को बड़ा झटका लगा है। राधा मोहन सिंह ने सपा को से जो है इस्तीफा दे दिया। अखिलेश पर लगाई आरोप, उन्होंने कई सारे आरोप लगाए हैं अखिलेश यादव पर। वहीं प्रतापगढ़ की बात करें तो यहां मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल की टिकट पर अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जो है वो पांचवी बार चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर भाजपा और सपा के अलावा जनसत्ता दल के राष्ट्रीय महासचिव कौशल नाथ ओझा भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है। भाजपा के हरप्रीत सिंह को और सपा के विजय बहादुर यादव को मैदान में उतारा गया है। वही जौनपुर की बात करें तो जौनपुर से भाजपा के मौजूदा एमएलसी बृजेश सिंह प्रिंसू को अपनी प्रत्याशी उन्होंने बनाया है। वहां जो है बसपा से भाजपा में शामिल हुए थे। पूर्वांचल के चर्चित बाहुबली धनंजय सिंह के करीबी वो माने जाते हैं। उनका मुकाबला सपा के मनोज यादव से हो रहा है। बता दें कि 2 चरणों में विधान परिषद का चुनाव होने वाला है। पहला जो चरण है उसमें 30 और दूसरे चरण में जो है वो 6 सीटों पर चुनाव होंगे। दोनों चरणों के लिए 9 अप्रैल यानी कि आज का दिन चुना गया है मतदान के लिए। आज मतदान हो रहे हैं सुबह 8 बजे से लेकर, वही 12 अप्रैल को नतीजे सामने आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़। धन्यवाद।